नमस्कार। जलवायु परिवर्तन अपना रूप दिखाने लग गया है, जिसका कृषि पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अपन देखें तो जैसे कि अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही एक तरह से रूप है। जिन क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश होती थी, आज वो क्षेत्र बारिश से लबालब हो रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा अच्छी बारिश होती थी, वो सूखे हैं, नजर आ रहे हैं। तो इन सभी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए किसान भाइयों को स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर अपन बोले तो ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इनके कुछ तौर तरीके अपन को बदलने पड़ेंगे, जिनसे अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, इन जैसी कंडीशनों से अपन फसल को बचाए जा सकते हैं। अभी देखने में आ रहा है कि जैसे कि कुछ हिस्सों में इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है तो वहाँ फसलें गलने की कगार पे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को अपने खेतों का जल निकास तंत्र, ड्रेन आउट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि फसलें, ड्रेन आउट सिस्टम से अपन समझ सकते हैं कि खेत का पानी किस तरह से बाहर किया जा सकता है, या खेत का पानी को अपन किस तरह से स्टोर करके उसको फसलों में उपयोग कर सकते हैं। जिस खेत में जल भराव की स्थिति होती है या ढलान होती है, उस खेत में ऐसा पॉइंट किसान को चुनना चाहिए जहां पर खेत का पूरा पानी इकट्ठा होकर बाहर निकलता है। ऐसे खेतों में फार्म पॉन्ड का निर्माण किसान भाई कर सकते हैं, जिससे अतिवृष्टि के समय पूरे खेत का पानी सिमट के उस फार्म पॉन्ड में समा जाएगा, फसल नहीं गलेगी। या फिर सूखे की स्थिति में या कम बारिश के अभाव में वो फार्म पॉन्ड का पानी जो है उसका उपयोग करके अपन फसल को बचा सकते हैं। तो या फिर किसान भाइयों को मानसून की लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग उसको ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए, जिससे अपन फसल चयन में आसानी रहेगी। और अगर अपन को मौसम की फोरकास्टिंग अपन को पता चल जाएगी तो अपन फसल आसानी से चयन कर सकते हैं। किस फसल का चयन करें, कौन सी फसल सूखे से बच सकती है, कौन सी वाटर लॉगिंग से बच सकती है। किसान भाइयों को जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल की बचत के लिए या कम पानी में अधिक सिंचाई के तौर तरीके अपनाने चाहिए, जैसे कि फव्वारा हो गया, ड्रिप सिस्टम जिसको बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों को अपने खेतों में, मतलब जो भी जमीन उनके पास उपलब्ध है, उनमें दो या दो से अधिक फसलों का चयन करना चाहिए। कभी भी सिंगल फसल की बुआई नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर अपन फसल की एक सिंगल फसल की बुआई करते हैं तो उसमें भी दो या दो से अधिक किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिंपल तौर तरीके हैं जिनसे किसान भाई अपन फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को फसल बुआई के तरीके चेंज करने होंगे। आजकल जो नए तरीके ईजाद हुए हैं, जैसे कि रिज एंड फर्रो मेथड, ब्रॉड बेड मेथड, इस तरह के तरीके, इनसे फसल को अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि या सूखे की स्थिति में भी अपन फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को स्प्लिट क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। जैसे अपन को पता है कि अपने खेत में इस जगह पर जल भराव होता है, तो वैसी स्थिति में किसानों को अपने खेत पर सिंगल फसल का चुनाव नहीं करके दो फसलें की बुआई करनी पड़ेगी। जो जिस स्थिति में जल भरता है, जिस कंडीशन में जल भरता है, वहाँ पर जल प्रिय फसल को लेना चाहिए। जहाँ पर जल नहीं भरता है, वहाँ पर जो ज़्यादा जल से गलने की ज़्यादा संभावना रहती है, उससे ज़्यादा जल से ज़्यादा सहनशील फसलें होती है, उनको लेना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को फसल पद्धति, बहुमंजिला फसल पद्धति किसानों को अपनाना चाहिए। जल की अधिकता
या सूखा प्रतिरोधी ऐसी किस्मों की चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। तो ये सब तौर तरीके हैं, इन सबको अपनाकर किसान भाई अपनी फसल को मानसून की बेरोखी या क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से आसानी से बचा सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।